रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म्स, उसी का हमारा ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं कंप्यूटर से संबंधित फुल फॉर्म। देखिए, जो हमारा पहला है वो है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम के ही तीन और भाग होते हैं, ये रोम को तीन भागों में बांटा गया है, जो होता है पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। तो चलिए इनके फुल फॉर्म देख लेते हैं। पी रोम का होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए, ये ऐसा रोम होता है जिसको एक बार प्रोग्राम कर दिया गया तो कभी नहीं हटेगा। जैसे आप अगर LG की टीवी या किसी भी प्रकार का चीज यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, तो वहां पर शुरुआत में एकदम कंप्यूटर या टीवी का जो कंपनी का नाम होगा वही देते हैं, है ना। तो ये उसके पी रोम में सेट होता है, जिसको इरेज नहीं किया जा सकता। उसके बाद अगला है हमारा ई पी रोम। इसका होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये वो रोम होता है जिसको पराबैंगनी किरणों से इरेज किया जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत पैसा लगता है ना। उसके बाद हमारा अगला है ई पी रोम, जिसका होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए, पहले ही आ गया है इलेक्ट्रिकली, यानी ये वो चीजें हैं जिनको हम इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल का नया अपडेट आया, यानी कि मोबाइल का कहते हैं ना, मोबाइल को अपडेट कर दीजिए, वो इलेक्ट्रिकली ही होता है ना। उसके बाद अगला है हमारा रैम। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद है डी रैम, यानी कि जो रैम है उसी के दो पार्ट होते हैं, जिनको डी रैम और एस रैम बोलते हैं। तो डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस रैम का होता है स्टेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद है हमारा सीपीयू। सीपीयू का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और आप लोगों को पता ही होगा कि सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, यानी जो भी प्रोसेस होता है वो सीपीयू के अंदर ही होता है। और सीपीयू को ही के ही तीन पार्ट होते हैं, जिनको एएलयू, सीयू और एमयू बोलते हैं। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ये जो होता है ये अर्थमेटिक चीजों को भी देखता है और लॉजिक यूनिट को भी देखता है। अर्थमेटिक यानी जोड़ घटाना गुणा भाग, और लॉजिक यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल, है ना। उसके बाद है सीयू, यानी कि कंट्रोल यूनिट। आप मान सकते हैं कि जो सीयू होता है ये बॉस होता है, जो सब चीजों को कंट्रोल करता है। उसके बाद है एमयू। एमयू का होता है मेमोरी यूनिट, जहाँ पे चीजों को याद किया जाता है। उसके बाद है SMPS। SMPS का होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। उसके बाद है BCC। BCC का होता है बेसिक कंप्यूटर कोर्स। उसके बाद है ट्रिपल सी, यानी CCC, इसका होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। उसके बाद है DCA। DCA का होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा फुल फॉर्म, और इसी से रिलेटेड एक आध वीडियो और होगी जिसमें फुल फॉर्म डिस्कस किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।